भगवते वासुदेवाय ओम ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ गण दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब जूम आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पितृ का पूर्वजों का उद्धार करने हेतु पितरों की पावन स्मृति में भगवत प्रेम प्राप्ति करने हेतु तो सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले इंदिराबेन और कांतिलाल देसाई का पूरा परिवार नरेंद्र भाई रमेश भाई किशोर भाई बहन और हर्षद भाई आप सभी भक्तों का सुमद भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम कई बार ये कथा के बाद प्रश्न होते हैं तो कई बार भक्तों के प्रश्न होते हैं कि प्रभु हमारा मन भगवान में नहीं लगता जब हम भगवान की माला करने बैठते हैं तो कुछ देर के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं लेकिन फिर मन संसार में चला जाता है माला जब करते हैं लेकिन मन ऑफिस में चला जाता है कभी कभी जब कथा सुनते हैं तो मन संसार में चला जाता है मन ऑफिस में चला जाता है ये बात परम सत्य है सनातन सत्य है इसमें हम कोई आ, अन्य कुछ अन्य था नहीं कर सकता है तो ये बात सत्य है कि जब हम भजन करते हैं तो भजन करते करते हमारा मन संसार में लगता है हुँ? भजन करते करते हमारा मन संसार में लगता है लगता है अमित नारायण प्रभु लगता है, है? निविबेन लगे हम, हम जरे भजन करी तेरे संसार में मन वही जाए ना तो भजन करते करते हमारा मन संसार में चला जाता है ये बात तो सीधी है इसका मतलब यह है कि हमारे हमारा मन इतना एक्सपर्ट है कि हम भक्ति भी करें और साथ ही साथ मन संसार में भी रहे मतलब मन में ये गुण है मन इतना एक्सपर्ट है कि भक्ति करते करते मन संसार में जा सकता है ठीक है तो कोई बात नहीं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं जैसे भक्ति भगवान का नाम लेते हैं कथा सुनते हैं तो मन संसार में चला जाता है तो फिर संसार में रहते रहते मन क्यों भगवत कथा में और भगवान के नाम में नहीं जा सकता सो भक्तों मन का ये अभ्यास है मन एक्सपर्ट है इसलिए हम सब संसारी हैं गृहस्थ हैं तो संसार में रहते हुए संसार के कार्य करते हुए हमारा मन भगवान में लग सकता है भगवान में जा सकता है तो आज ऐसे ही हमारे संसार या गृहस्थ जीवन का उद्धार करने हेतु श्रीमद्भागवत का एकादश स्कंध मुक्ति स्कंध की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं कथा बहुत सुंदर है सर्वप्रथम तो द्वारिका नगरी का वर्णन और नारद मुनि और वसुदेव जी का मिलन हुआ और उस मिलन के दौरान वसुदेव जी ने जिज्ञासा की कि हे नारद मुनि आप हमें भागवत धर्म की कथा सुनाइए तब नारद मुनि ने कहा कि अवश्य आपने श्रद्धा से यह जिज्ञासा की है इसलिए मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर भागवत धर्म की कथा अवश्य सुनाऊंगा लेकिन मैं वह कथा सुनाऊंगा जो कथा एक बार जनकपुर के राजा को नव योगेश्वर ने सुनाई थी सो नारद मुनि यह कथा वसुदेव जी को सुना रहे हैं और कौन सी कथा जो नवयोगेश्वर मुनि ने निमी महाराज को सुनाई थी भक्तों यही वेदों की शास्त्रों की परिपाटी है ये जो कथा हम सुनने जा रहे हैं इस कथा के मूल वक्ता नवयोगेश्वर है आप देख सकते हैं मेरे पीछे गोविंद टीवी ने ये बहुत सुंदर है ये बस रात दिन यही करते रहते हैं तो नव योगेश्वर आकाश से आए निमी महाराज उनको बुला रहे हैं तो इस कथा के मूल वक्ता नवयोगेश्वर जी हैं और श्रोता निमी महाराज हैं फिर यही कथा नारद मुनि वसुदेव जी को सुनाते हैं नारद मुनि ने वसुदेव जी को जो कथा सुनाई वही कथा भागीरथी के तट पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई वही कथा नैमित शारण्य में धेनुमती के तट पर अठासी हजार ऋषि मुनियों को श्री सूत गोस्वामी सुनाते हैं और सुध गोस्वामी ने अठासी या ऋषि मुनियों को जो सुनाई वही कथा लाल गोविंद दास सबको सुना रहा है बिल्कुल परंपरा से चली आई है और भक्तों शास्त्रों की यही परिपाटी है हमारे ऋषि मुनियों के वचन को बोलना हमारे आचार्यों के वचन को दोहराना ही बुद्धिमानी है और साथ ही साथ यही कर सकते हैं हम और कर भी क्या कर सकते हैं मैं मैं कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे इस थर्ड क्लास के मन में ऐसा कौन सा विचार आ सकता है जिससे जगत का कल्याण हो इससे तो अच्छा है कि पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को हम दोहराए ताकि हमारा कल्याण हो आप सबका कल्याण हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई से मम सुभग चलत मम भाई अति अपार चरित्र भर जय नृप सेतु कराई कहू पीपर कहू परम लघु बिन श्रम पार ही जाई गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और शास्त्र भगवान की कथा और सिद्धांत असीम अपरिसीम अनंत है यदि कोई अपनी शक्ति से अपनी बुद्धि से इसे समझना चाहे तो वह डूब जाएगा वह बह जाएगा जैसे गंगा की धारा प्रचंड वेग से गति से बहती है यदि कोई चींटी उस धारा को पार करना चाहे तो बेचारी चींटी तो थोड़ी सी अंदर जाएगी तो डूब जाएगी वो बह जाएगी लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि उस गंगा की बहती धारा पर कोई सेतु बना दिया जाए ब्रिज बना दिया जाए तो उस ब्रिज का सहारा लेकर उस सेतु का सहारा लेकर हाथी तो क्या चींटी भी उस नदी को पार कर सकती है इसमें यदि हम स्वयं अपनी बुद्धि लगाने जाएंगे तो बह जाएंगे परंतु पूर्ववर्ती संत ऋषि मुनि आचार्यों ने जो ब्रिज बनाकर रखा है जो सेतु बनाकर रखा है उस सेतु का सहारा लिया जाए तो बिन श्रम पार रही जाए तो बिना श्रम किए बिना मेहनत किए हम इस गंगा को पार कर सकते हैं सिद्धांत को पार कर सकते हैं भगवत कथा को समझ सकते हैं भक्तों हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कई बार लोगों को होता है कितनी मेहनत करते होंगे कितना रिसर्च कुछ नहीं बिना श्रम पा रही जाए आचार्यों का सहारा ले लो ऋषि मुनियों का सहारा ले लो तो उन्होंने जो कहा है जो लिखा है बस वही पढ़ना है समझना है और फिर बोलना है अपना अनुभव व्यक्त करना है सो so इस प्रकार आ, बहुत सुंदर ऋषि मुनियों की परंपरा से श्री सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि ये परंपरा से कथा सुना रहे हैं तो बहुत सुंदर मूल वक्ता नव योगेश्वर मुनि है ये नव योगेश्वर भगवान ऋषभदेव के नौ पुत्र हैं गत सत्र में हमने श्रवण किया इसे योगेश्वर क्यों कहते हैं क्योंकि भक्ति योग में स्वाभाविक इनका अधिकार है भक्ति योग में स्वाभाविक अधिकार होने के कारण नव योगेश्वर का और नौ संख्या है इसलिए नव योगेश्वर मुनि कहा गया तो गत सत्र में हमने नव ऋषि मुनियों की थोड़ा सा परिचय आपको प्रदान किया था कि किस प्रकार से भगवान विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से प्रियव्रत मनु महाराज मनु के प्रियव्रत प्रियव्रत के आग्निग्रह आग्निग्रह के नाभि नाभि से भगवान ऋषभदेव और भगवान ऋषभदेव के सौ पुत्र और उनमें से ये हैं नव योगेश्वर अब नव योगेश्वर जी के मुख से हम कुछ सुनने जा रहे हैं तो भक्तों जिस किसी व्यक्ति से हमें जब सुनना होता है तो सबसे पहले हमें उनका मत जान लेना चाहिए ये ये आप सबके लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कथा के रसिक तो आप बन ही चुके हैं या आप हैं ही कथा तो आप सुनना चाहोगे कथा तो अब जीवन हो चुका है इसलिए बिना कथा सुने हम जी नहीं सकते लेकिन हम यदि किसी के भी मुख से कथा सुनने जाएंगे तो सबसे पहले उनका परिचय जैसे कल नवयोगेश्वर मुनि का परिचय तो सबसे पहले परिचय होना चाहिए कि ये किस संप्रदाय के हैं ये वैलिड संप्रदाय के हैं या बस अपने आप से बनाया हुआ संप्रदाय से हैं एक दूसरा ये किस परंपरा में है किसी योग्य परफेक्ट गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित है या नहीं दूसरा और तीसरा महत्वपूर्ण तो है कि जब भी हम किसी से कथा सुने प्रवचन सुने ज्ञान ग्रहण करें तो सबसे पहले हमें उनका मत जानना चाहिए कि वे वे उसका मत क्या है जैसे मैं कथा करने बैठता हूं तो कीर्तन के बाद सबसे पहले हम हमारा मत रखते हैं शायद आप समझ न पाओ वह संस्कृत श्लोक है सबसे पहले हम मत रखते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनैया ये मैं मेरा मत रखता हूं जब भी मैं कथा करने व्यासपीठ पर बैठता हूं तो हम हमारा मत रखते हैं कि भाई हम कथा कुछ भी करें हम राम की भी कथा करेंगे बुद्ध की भी करेंगे नरसिंह वामन वरा हम सब कुछ करेंगे लेकिन हमारा मत क्या है आराध्यो भगवान हमारे आराध्य भगवान ब्रजेश तनय बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण है क्योंकि कथा तो बहुत आएगी एक सत्र में सब कुछ तो वर्णन नहीं हो सकता इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय वे कहाँ रहते हैं तो हमारा मत है तद धाम वृंदावन है वो व्रज वृंदावन में रहता है अच्छा उनको प्राप्त करने की विधि क्या है तो प्रेमा पुमर्थो महान है हमारा मत है कि हमारा लक्ष्य है कि उनसे प्रेम प्राप्त करना अच्छा उस भगवान से आप जिसको भगवान मानते हो उससे प्रेम आप कैसे करोगे आपका आइडल कौन है आपका आदर्श कौन है तो रमिया का चिद उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता ब्रज में रहने वाली गोपियां हमारा आदर्श है हमारे आइडल है हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है उनके जैसे तो नहीं बन सकते लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम वैसे बने ये हमारा मत है अच्छा उस भगवान को प्राप्त करने के लिए उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है जो शास्त्र जो जो प्रमाण है वो क्या है ग्रंथ कौन सा है तो श्रीमत भागवत प्रमाण ममलम। भागवत हमारा प्रमाण है हम भागवत के अनुसार ये कथा करेंगे या भजन करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम और ये मत जो है चैतन्य महाप्रभु का है श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदम महाप्रभु का ये मत है तत्र आदर और इस मत के प्रति हमारा आदर है समझ रहे ना तो जब भी हम किसी से ज्ञान ग्रहण करें तो इतने क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए नहीं तो क्या होगा कथा सुनेंगे 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 आधा जीवन बीत जाएगा और फिर वो आपको कहेगा भगवान निराकार है बस वो तो ज्योति है तब तो जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा इसलिए जब भी हमें किसी से कुछ सुनना हो तो मत जानना चाहिए आप देखोगे शिल प्रभुपाद जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे आप प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़िए ग्रंथ के प्रारंभ में वे प्रस्तावना देते हैं और भूमिका देते हैं सीधा ग्रंथ शुरू नहीं करते शिल प्रभुपाद अपने ग्रंथ के प्रारंभ में प्रस्तावना एंड भूमिका और उसमें प्रभुपाद क्लियर कह देते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान हमारी दृष्टि से भगवान परमेश्वर कृष्ण है यदि आपको इसे स्वीकार करना है और इस वे में इस मार्ग में आगे बढ़ना है तब ये पढ़िए नहीं तो यह पढ़ने से आपका कोई मतलब नहीं है सो इस प्रकार से मत तो यहाँ पर नवयोगेश्वर मुनि जब कथा सुनाने जा रहे हैं नवयोगेश्वर मुनि के मुख से जब हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं तो उनका मत क्या है नवयोगेश्वर मुनि का अनुभव क्या है जब इस प्रकार से पूछा गया तब नारद मुनि वसुदेव जी को कहते हैं नवयोगेश्वर मुनिका मत् त एते रूपम विश्वम सद सदात्मकम् आत्मनो व्यतिरेकेण आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यंतो व्यचरण पश्यंतो व्यचरण नव योगेश्वर मुनि का मत क्या है अनुभव क्या है तो बहुत सुंदर कहते हैं कि त, एते त माने वे वे नवयोगेश्वर मुनि जिसकी चर्चा हमने कल की नाम क्या है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर द्रुमिल चमस और करभाजन ये नव ऋषि मुनि है तो त एते भगवत रूपम नव योगेश्वर मुनि का मत क्या है या उसका अनुभव क्या है तो कहते हैं ये ते एते एते माने ये जो हमको दिख रहा है अब एते दूसरा शब्द जो एते है ना उसकी डेफिनेशन दूसरी लाइन में है कि एते माने एते विश्वम सद सदात्मकम नवयोगेश्वर मुनि का अनुभव क्या है कि एते विश्वम ये विश्व कैसा विश्व तो कहते हैं सद सदात्मकम इसके दो अर्थ हैं नवयोगेश्वर मुनि सद सदात्मकम माने इस संसार में कुछ वस्तु जड़ है तो कुछ कुछ वस्तु चिन्मयी है कुछ स्थूल है तो कुछ सूक्ष्म है कुछ सत है तो कुछ असत है तो कहते हैं सत और असत से बना हुआ यह जगत जड़ और सूक्ष्म से स्थूल से बना हुआ यह जगत ये विश्व नव योगेश्वर मुनि को कैसा लगता था तो कहते ते भगवत रूपम नवयोगेश्वर मुनि इस संसार की प्रत्येक वस्तु को या प्रत्येक व्यक्ति को भगवत रूपम भगवान का रूप मानते थे ये है सबसे बड़ी ऊंचाई भक्तों किसी भी व्यक्ति के की महानता सबसे बड़ी महानता ये है क क क कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न हो कि कौन व्यक्ति कितना महान है तो ये उसके बैंक बैलेंस से पता नहीं चलेगा आजकल के लोग तो बस जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है वो महान है ऐसा नहीं है ऊंचे निवास नीच कर कभी कभी ऊंचे निवास में रहने वाले नीच आचरण करते हुए देखे जाते हैं किसी भी महान व्यक्ति की महानता क्या है उनका विचार एक बात याद रखिएगा संजय भाई हमारे कैनेडा से संजय भाई बैठे हैं संजय भाई जन हाँ संजय भाई आ, महान व्यक्ति जो है ना वो अपने विचारों से महान होता है महान व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है यदि कोई झोपड़ी में रहता हो लेकिन उसके विचार ऊंचे हो तो झोपड़ी में रहकर भी वो महान है और यदि कोई करोड़ों की इमारत में रहता है लेकिन नीच विचार निम्न विचार है तो वह करोड़ों की इमारत में रहकर भी वो निम्न है वो छोटा है विचारों से व्यक्तिमान होता है तो प्रश्न होगा ना कि सबसे बड़ा विचार कौन सा है विचार तो हमको बहुत आते हैं इस दुनिया में संसार में विचार तो बहुत आते हैं सबसे बड़ा विचार क्या है तो नव योगेश्वर मुनि का ये जो विचार है त एते भगवत रूपम विश्वम सदसदात्मकम इस दुनिया में अच्छी या बुरी या असत सूक्ष्म या स्थूल ये जो भी है भगवत रूपम ये भगवान का ही रूप है सो भक्तो ये सबसे बड़ा विचार है इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु को भगवान का रूप समझना प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखना प्रत्येक वस्तु में भगवान की भावना करना ये बहुत बड़ा विचार ये सबसे बड़ा विचार है सो नव योगेश्वर मुनि का ये विचार था और दूसरी बात क्या कहते हैं आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यंतो व्यचरण महिम व्यचरण महिम इस महिम इस धरती पर विचरण करते हुए पश्यंतो नव योगेश्वर मुनि जो जो देखते थे पश्यंतो माने जो जो देखते थे नव योगेश्वर मुनि कहते हैं जो भी वस्तु उसको दिखाई देती थी आत्मनो व्यतिरेकेण अर्थात आ, आत्मन माने भगवान से अभिन्न अनुभव करते थे यहाँ पर आत्मा का दो अर्थ है आत्मा का एक अर्थ भगवान है और आत्मा का एक अर्थ स्वयं है है ना? आत्मा के बहुत सारे अर्थ वेदों में होते हैं इस श्लोक में आत्मनो व्यति रे केण अर्थात नव योगेश्वर मुनि दुनिया में जो भी वस्तु देखते थे उसे भगवान से अभिन्न देखते थे अर्थात जो भी वस्तु है वे समझते थे ये भगवान की है और आत्मनुमाने स्वयं जो भी वस्तु और व्यक्ति को देखते थे तो अपने से वे अभिन्न देखते थे अर्थात सबको सभी व्यक्ति को वो अपना मानते थे जैसे किसी व्यक्ति को आ, अपने शरीर से प्रेम होता है अपनों से प्रेम होता है नव योगेश्वर मुनि संसार में सबको अपना मानते थे सबके साथ प्रीति रखते थे सबके साथ प्रेम रखते थे तो बहुत सुंदर यहाँ पर ये विश्व को भगवत रूप मानते थे संसार जो है ये भगवान का ही स्वरूप है और संसार की वस्तु सारी वस्तु भगवान की है हमारा क्या नव नवयोगेश्वर मुनि की दृष्टि संसार की वस्तुओं में भगवत दृष्टि थी और हमारी संसार की वस्तुओं में भोग दृष्टि है बस इतना अंतर है नवयोगेश्वर मुनि जब संसार की किसी वस्तु को देखते थे तो भगवत दृष्टि होती थी और हम जब किसी वस्तु को देखते तो भोग दृष्टि होती है मैं इसको कैसे भोगूँ ये गाड़ी मुझे कैसे मिले मैं उसको भोगूं ये भोजन मुझे कैसे मिले मैं उसको कैसे भोगूं हमारी भोग दृष्टि है और नव योगेश्वर मुनि की भगवत दृष्टि थी जैसे एक कुत्ता एक कुत्ता भारत की किसी सब्जी मंडी में चलते हुए जाता है तो कुत्ता अपने मन में क्या सोचता है ये गाजर मेरे काम का है, है? ये टमाटर मेरे काम का ये टमाटर खाऊंगा तो आनंद आएगा तो संसार की वस्तु को देखकर उसे भोग भोगने की जो दृष्टि है ये कुत्तों की है ये पशुओं की है यदि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होकर यदि हम भजन करते हैं तो संसार की प्रत्येक वस्तु को भोग दृष्टि के रूप में नहीं देखेंगे भगवत दृष्टि के रूप में देखेंगे जैसे मैं दृष्टांत दे रहा हूं कि कोई पशु कुत्ता हो या गधा हो जब भी वे रास्ते से चलते हैं तो उनका उनकी एक ही फ्रीक्वेंसी होती है कि बस मुझे भोगने के लिए कहाँ से मिल जाए मेरे लायक मेरे टाइप की खाने पीने भोगने की वस्तु कहाँ से मिल जाए तो ये तो पशुओं की वृत्ति है जो मनुष्य होते हैं और विशेष करके जो भजन करते हैं वो प्रत्येक वस्तु में भगवत रूप देखते हैं और प्रत्येक वस्तु को वे भगवान की समझते हैं आगे चलकर ये बात आएगी जब दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा पहला प्रश्न भागवत धर्म किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न होगा कि भागवत धर्म का पालन करने वाला महाभागवत कैसा होता है तब तो वहाँ पर कहेंगे महाभागवत भगवान का सबसे बड़ा और ऊंचा भक्त किसे कहते हैं सर्वभूतेशु यह पशेत भगवत भावम मात्म संसार के प्रत्येक जीव को भगवत स्वरूप देखता है और सबको रिस्पेक्ट करता है सबसे प्रेम रखता है जैसे रामायण में कहा सिया राम मई सब जग जानी ये पूरे जगत को जगत की वस्तु व्यक्ति को और सीता और राम मई देखना और देखकर क्या करना करु प्रणाम जोर जुग पानी दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करना उनको आदर देना सो so, ये बहुत सुंदर नव योगेश्वर मुनि का परिचय है ये उनका मत है ये उनका अनुभव है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान का ही रूप है भक्तों इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है ये पहली लाइन ही आप देखिए त एते भगवत रूपम विश्वम सद असत आत्मकम हमारा क्या है ना जो अच्छी अच्छी वस्तु होती है हम उसे भगवान का रूप या भगवान की कृपा मानते हैं लेकिन जब बुरी वस्तु होती है तो हम उसे भगवान का रूप भगवान की कृपा नहीं मानते है, है ना जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें लगता है यह तो साक्षात भगवान का रूप है लेकिन जब कोई हमें गाली देता है तो हमें लगता है ये असुर कहां से आ गया ये राक्षस कहां से पैदा हो गया तो, तो ये समझने वाली ये हमें समझना है कि जीवन में कोई सुख देता है उसे भी भगवत स्वरूप माने और कोई दुख देता है कोई हमारी निंदा करे ईर्षा करे कोई कोई हमको गाली दे उसे भी भगवान का रूप मानकर भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले ये है नव योगेश्वर मुनि यह हमें हमें सीखना है इस संसार में जो भी है भगवान का प्रसाद मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे मन में जो इच्छा है यदि वह इच्छा हमारी पूर्ण हो जाए तो भगवत कृपा मन में जो जो मन में है वो यदि मन की बातें हमारी संपन्न हो पूर्ण हो तो वो है भगवत कृपा और हमारे मन की बात पूरी न हो तो वो है भगवत इच्छा तो भगवत इच्छा समझकर भगवत कृपा समझकर जीवन के सुख दुख को स्वीकार करके जीवन को बिताना यही शुद्ध भक्त का विचार है यही शुद्ध भक्त का परिचय है तो इसलिए यहां पर कहते हैं ते भगवत रूपम हा? विश्वम सद असत आत्मकम आत्मनो अपने आत्मा से अपने आप से किसी को पराया नहीं मानते थे आत्मनो व्यतिरेकण किसी को पराया नहीं मानते थे सबको अपना मानकर पश्यंतो व्यचरण महिम इस संसार में इस जगत में विचरण करते थे तो देखिए ये अंतिम लाइन के अंतिम शब्द शब्द में कहा क्या कहा गया कि इस प्रकार से व्यचरण महिम इस प्रकार से विचरण करते थे तो तुरंत मानो वसुदेव जी ने प्रश्न पूछा कि नारद जी नव योगेश्वर मुनि व्यचरण महिम इस धरती पर विचरण करते थे तो वो कहां कहा विचरण करते थे अमेरिका जाते थे कनाडा जाते थे यूरोप जाते थे ये कहां कहां जाते थे थोड़ा सा बताइए ये कहाँ कहाँ विचरण करते थे तो अगले श्लोक में नारद मुनि वसुदेव जी को लिस्ट बताते हैं कि नव योगेश्वर मुनि कहाँ विचरण करते थे अव्या गंधर्वयक्ष नरकिन नरलागलो का मुक्ता चरन्ति मुनि हे रणभूतनाथ मुक्ता विद्याधर द्विज गवाम भुवना विद्याधर द्विज गवाम भुवना निकामम आपने मार्ग किया अब तक जो है ना वो छोटे छोटे श्लोक चल रहे थे लेकिन अब श्लोक का छंद बदल गया अब तक ढीले ढीले श्लोक चल रहे थे लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया कि ये नव योगेश्वर मुनि कहां, कहां करते थे। अब करने की बात आई तो नारद मुनि को बड़ा आनंद आ गया कि कहां, कहां विचरण आनंद क्यों क्योंकि नव योगेश्वर ने विचरण करना शुरू किया तो समझो किसी ना किसी का उद्धार होने वाला है साधु अपने घर से निकला तो मानो दो पांच को मुक्ति देकर ही वापस आएगा इसलिए कहते हैं अव्याहतेष्ट गत यह नव योगेश्वर मुनि के लिए कहते हैं वास्तव में ये नव योगेश्वर का ऐश्वर्य है अव्याहत अव्याहत एक एक शब्द को समझिए व्याहत माने रुकावट कहते ना विविधान आ गया व्याह हो गया व्याह माने रुकावट और अव्याहत माने कोई रुकावट नहीं नव योगेश्वर मुनि इस संसार में जब विचरण करते थे तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था अव्याहत आजकल दुनिया में कोई साधु संत विचरण करता है तो उनके लिए कितनी कितनी रुकावट होती है एक तो भौतिक प्रकृति से रुकावट होती है और एक एक विशेष विशेष महानुभावों के द्वारा रुकावट होती है ये हमारा जोन है ये फलाने का जोन है इस जोन में आप नहीं जा सकते उस जोन में हम नहीं आ सकते ये जोन वो जोन लेकिन एक बात याद रखिएगा सच्चे साधु का कोई जोन नहीं होता साधु की पूरी दुनिया होती है पूरी वसुंधरा साधु की होती है और साधु को इस वसुंधरा के ऊपर विचरण करते हुए कोई नहीं रोक सकता रुकावट आती है जिनके मन में कुछ लालसा है कुछ लोभ है उन लोगों के लिए सच्चे साधु के जीवन में कोई रुकावट नहीं इसलिए यहाँ पर कहते हैं अव्याहत अव्याहत किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं थी इनकी गति में तो कहते हैं अव्याहतेष्ट अब दूसरा शब्द है अव्याहत फिर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इष्ट गतय इष्ट माने स्वयं जहां चाहते थे वहां जाते थे अव्याहत इष्ट गत नव योगेश्वर मुनि स्वयं उनकी इच्छा होती थी वहां जाते थे इसीलिए तो हम जो साधु होते हैं उसे महाराज कहते हैं महाराज राजा तो केवल राजा होता है लेकिन जो सन्यासी होते हैं ना वो महाराज होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं उनकी जहां इच्छा होती है वहां जाते हैं इसलिए कहते हैं अव्याहत एक तो उनकी गति कोई रोक नहीं सकता था और इष्ट गति वे जहां चाहते वहां जाते थे तो फिर कहाँ कहां जाते थे तो लिस्ट बताते हुए कहते हैं कि सूर सुर माने देवताओं के लोक में जाते थे मूड हो गया नव योगेश्वर का तो फ्लाइट को टेक ऑफ किया सीधे गए स्वर्ग में ये लिस्ट है पूरा सूर फिर आगे कहते हैं सिद्ध फिर कभी मूड हो गया तो सिद्धों के लोक में जाते थे जो साधना कर कर करके कर 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 करके जनी मालाना पारा घसाई गया है आम आम टोटल पारा घसाई जाए पी मणस सिद्ध लोक में जाए है? हाँ तुम्हारा के घसाणा है जो काले बदा तो साधना कर कर के जो सिद्ध हो जाता है उसके लिए एक लोक है उसके लिए एक लोक है क्योंकि कुछ लोगों की साधना इतनी स्ट्रांग होती है आ, हम लोग कभी कभी मंदिर में जाकर देखते हैं ना माला लेकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे अपन आपने नहीं था कि आने माता जी आए अपन ने हमता कि आ भाई माला करे धूणे हैं तो जो जो बस ऐसी साधना करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण मतलब तो भगवान ने सोचा कि ये लोग स्वयं डिस्टर्ब हो रहे हैं और समाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए भगवान ने इन साधकों के लिए एक लोक ही बना दिया कि आप बस वहाँ रहकर धुड़ो आपको जो करना है वहाँ जाकर सब कुछ करो तो ऐसे सिद्ध लोक में ये लोग चले जाते थे कि बेचारे बहुवा वेवला मायराज है ब, बहुत दुणे हैं बहुत माथा इलाया है वहाँ जाकर सत्संग करते हैं तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं सूर और सिद्ध सिद्ध लोक में जाते थे तो अव्याहतेष्ट गतय सूर सिद्ध और तीसरा है साध्य तीसरा है साध्य साध्य माने जो देवता है तो वहां साध्य लोक में जाते थे क्यों जाते थे बोले उनका संग करने के लिए और अपना संग देने के लिए फिर आगे कहते हैं दूसरी लाइन में गंधर्व ये गंधर्व लोक में जाते हैं गंधर्व किसे कहते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं उसे गंधर्व कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं कि ये सत्संग हमारा ये अमृत चर्चा ये कथा शुरू होती है न तो कथा से पहले बहुत सारे गंधर्व गाते हैं है। हमारे गंधर्व राज हैं बलदेव भाई और गंधर्व राज बहुत सारे गंधर्व गाते हैं तो जो अच्छा गाते हैं उसे गंधर्व कहते हैं तो गंधर्व के लोक में जाते थे जब मूड होता था कि चलो यार कुछ थोड़ा बहुत गाना वाना सुने ये लोग के पास थोड़ी ना एम प्लेयर था सीडी प्लेयर था ये लोग को गाना सुनने का मन हुआ तो चले गए गंधर्व लोक में कोई रोकने वाला नहीं ना वीजा ना पासपोर्ट ना टिकट कुछ नहीं तो अव्याहतेष्ट गति सुरसिद्ध साध्या आ, गंधर्व गंधर्व लोक में फिर आगे कहते हैं यक्ष कहा जाते थे बोले यक्ष लोक में जाते थे ये यक्ष जो है ना यक्ष माने क्या कहूं आपको ये ये लिखना मत ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूं यक्ष माने आधा देवता आधा भूत मतलब ये ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये ये अपना शास्त्र है यक्ष माने आधा देवता आधा भूत इसे यक्ष कहते हैं विशेष होते हैं महान होते हैं यक्ष के विषय में आया ना ध्रुव महाराज के बड़े भाई का नाम था उत्तम और उत्तम एक दिन विचरण करते करते यक्षों की अलकापुरी में चले गए और यक्षों ने उनको मार दिया तब ध्रुव महाराज को बड़ा क्रोध हुआ और यक्षों के ऊपर चढ़ाई किए और लाखों यक्षों को ध्रुव महाराज ने अकेले मार दिया फिर स्वयं भगवान प्रकट हुए कि भाई आप लोग इस धरती पर आए हो प्रजा का प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए प्रजा को मारने के लिए नहीं आप ये सब बंद करो और तब जाकर यक्ष आए कुबेर जी जो है ना कुबेर कुबेर को यक्ष कहा जाता है हुँ? कुबेर यक्ष है खैर और फिर धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद भी महाभारत में आप सब जानते ही हैं कि यक्ष तो बुद्धिमान भी बहुत होते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को सौ प्रश्न पूछे और फिर युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया और अन्य चार भाइयों को मुक्त किया तो यक्षों का एक लोक है तो ये नव योगेश्वर मुनि यक्ष लोक में जाते थे सो गंधर्व यक्ष और फिर कहते नर तो वसुदेव जी ने कहा होगा ऊपर ही उड़ते थे कि नीचे आते थे हम बुध बस ऊपर सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नीचे आते थे कि नहीं तो कहते हाँ नर।, नर नर माने मनुष्य लोक में भी वो मतलब पृथ्वी पर भी विचरण करते थे नर नर लोक में विचरण करते थे और फिर किन्नर किन्नर माने किम पुरुष हम और आप जिसको किन्नर समझते हैं ना वो किन्नर किन्नर नहीं है किन नर माने ये, ये ये शब्द कहां से बना जानते है? किन्नर ये प्रश्नार्थ शब्द है कि किम नर क्या ये नर है ये ये प्रश्न वाक्य है न, क्या ये नर है मतलब एक ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व जिसको देखकर स्वाभाविक प्रश्न हो जाए क्या ये न है तो किन्नर माने हनुमान जी की योनि, हनुमान जी के लोक में अर्थात जहां पर हनुमान जी जैसे किम पुरुष वर्ष में जो रहते हैं तो ऐसे लोक में नव योगेश्वर मुनि जाते हैं हनुमान जी का एक लोक है जिसको किन्नर किम पुरुष लोक कहते हैं वहाँ हनुमान जी मूल स्वरूप से रहते हैं और अंश स्वरूप से इस दुनिया में सबको दर्शन देते हैं तो हनुमान जी का मूल लोक है किम पुरुष तो ये नवयोगेश्वर मुनि हनुमान जी की संगति करने के लिए हनुमान जी से सत्संग करने के लिए किम पुरुष लोक में किन्नर लोक में भी जाते हैं फिर आगे कहते हैं नागलोकान ये नागलोक नीचे हैं तो ये नागलोक में भी जाते हैं नाग सुंदर नाग लोक में जाते हैं वहां पर आ, आ, सतसंग करते हैं और ये सब जगह पर जाते हैं कहते हैं मुक्ताशरंती मुक्त मुक्तश्चरंती माने स्वच्छंद गति से घूमते हैं फिर से मैं आपको कहूँ कि इसकी गति को कोई नहीं रोक सकता और आप भी समझ लीजिए साधु की गति को कभी रोकने का प्रयास भी मत कीजिएगा साधु को रोकना मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है उस क्रांति को रोकना किसी संत की गति को रोकना वह संत न जाने लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करने जा रहा है और उनकी गति को रखना बहुत बड़ा अपराध करना आप विचार कीजिए सत्तर साल के बूढ़े हैं भारत में स्ट्रगल कर रहे थे अमेरिका आने के लिए और वे जब अमेरिका आने के लिए निकले कुछ लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया यदि एक पल के लिए आप सोच लीजिए कि मान लो कुछ लोगों ने प्रभुपाद को रोकने का प्रयास किया यदि उनके रोकने से प्रभुपाद रुक गए होते तो आज क्या होता एक संत ज्यादा तो कुछ था नहीं एक संत की गति को यदि रोक दिया होता तो आज ये पूरा विश्व हरि नाम और हरि कथा में झूम रहा है ये लाखों करोड़ लोगों का उद्धार कहाँ होता कौन संत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जने हरि के एक जन में पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है उस हरि के जन को भगवान के भक्त को रोकना भक्ति से रोकना प्रचार से रोकना उनकी गति से रोकना ये बहुत बड़ा अपराध है बहुत बड़ा वो साधु तो क्षमा कर देगा लेकिन ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे इसलिए यहां पर लिखा है चरंती साधु को जो है ना मुक्त रहने देना चाहिए मैं आप सब के लिए कहूं साधु को अमित नारायण प्रभु मुक्त चरंती मुक्त रहने देना चाहिए हम क्या करते हैं साधुओं को हम हमारी फ्रेम में बिठाना चाहते हैं कि हमें जेम कहिए एम करे तो आ साधु सारा नहीं तो आ साधु खराब हाँ हम लोग हमारी बुद्धि से बिल्कुल फ्रेम बना लेते हैं कि बस साधु सफ़ेद कुर्ता पहनेगा तो अच्छा ये काला पहना है ब्लू पहना है तो साधु बिगड़ गया हवा न दे है? कुछ लोग हमें भी कहते हैं कि ये ब्लू कुर्ता क्यों भाई मारी मर्जी तारी पाए ब्लू नो हो तो हमारे नो पैरवा हमें ब्लू ही हमें लाल ही पेरी हमें गुलाबी पेरी है हमें गुलाबी चाहिए गुलाबी पेरी है कई बार मुक्तश चरण साधुओं को रोकने के रोकने का है? और और आ, 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 मुंडन होगा बिल्कुल टकलू होगा तो साधु अच्छा है, है बाल वाला कोई साधु होता है कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है बाल वाले साधु होते हैं तारा वाल नहीं उगता इमें हमारा शू गुन तेरे बाल उगते नहीं है उसमें हमारा क्या गुना है? हमारे उगते हैं तो बाल है, है? और बालों से ही यदि कोई भगत बनता है तो ये कुछ ऐसे पशु पक्षी जिसके बाल ही नहीं होते तो क्या वो डिवोटी हो गए ये केवल रोकने का प्रयास है, है? साधु यदि हम किसी साधु को फॉलो करते हैं हम किसी गुरु से प्रेम करते हैं तो मुक्तस चरंती उसे मुक्त छोड़ेंगे हम हमारे बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करेंगे हमारा तो क्या है ना हमें गुरु भी वैसा चाहिए याद रखिएगा ये हम सब की बात कर रहा हूँ पहले मैं हूँ हमें गुरु भी वैसा चाहिए जो हम कहे वैसे ही करे हम तो गुरुओं को भी बांधने का प्रयास करते हैं कि गुरु ऐसा करेगा ऐसा बोलेगा ऐसा चलेगा तब वो हमारा गुरु नहीं तो गुरु नहीं हवा आने दे है गुरु गुरु होता है मुक्तश्चरंती वो मुक्त होता है उसे कोई बांधने का प्रयास नहीं कर सकता कई बार कुछ लोग शिष्य बनने की औकात नहीं और गुरु के गुरु बनकर शिक्षा देने बैठते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए आपको ऐसा करना चाहिए तो मुक्तशरण थे साधु जो होता है मुक्तशरण थे तो नव योगेश्वर मुनि मुक्त रूप से विचरण करते थे और मुनि चारण और और अभी बाकी है अभी कहां कहां विचरण करते थे तो आगे कहते हैं मुनि मुनियों के लोक में विचरण करते मुनियों के पास जाते थे फिर चारण चारण के लोक में जाते थे चारण जो होते ना वो भगवान की लीला को गाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं चारण भगवान की लीला को गाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं ये हम लोग बोलते हैं ना उच्चारण उच्चारण ये उच्चारण शब्द चारण से बना है उत ऊत प्लस चारण उत माने ऊंचे स्वर से और चारण माने गाना तो उच्चारण माने ऊंचे स्वर से गाना है ना तो जब हम गाते हैं ना तो गाने में भी ढीले ढीले नहीं गाना चाहिए हमको मरी गयो ये हम नो गाव जो है उच्चारण ऊंचे स्वर से ऊंचे स्वर से ये गले की नस फूल जानी चाहिए हम हम आंतर खेचावा जुए नाभिमाथी गावे जो है इसलिए कहते हैं उच्चारण सो so, चारण तो ऐसे जो ऐसे जो गाते हैं भगवान के लिए ऐसे उस चारणों के लोक में जाते थे फिर आगे कहते हैं भूतनाथ भूतनाथ के लोक में भी जाते थे भूत भूत माने तो आप सब जानते ही हैं भूत माने तो हम सब जानते हैं और नाथ माने स्वामी सभी भूतों के स्वामी कौन है मेरे कैलाश का महादेव है देवाधिदेव महादेव भूतों के स्वामी हैं और महादेव की ये करुणा है और कुछ नहीं है अब महादेव ने भूतारे रेवा में जलसा नहीं पड़ता महादेव भूतों के साथ इसलिए रहते हैं कि भाई चलो भूतों के पास कोई नहीं जाता तो मैं भूतों के साथ रहूंगा आज नहीं तो कल भूत सुधर जाएंगे तो भूतों को सुधारने के लिए देवादिदेव महादेव भूतों के साथ रहते हैं इसलिए उनका नाम है भूतनाथ तो नव योगेश्वर जी कैलाश में भूतनाथ शिव जी के लोक में जाते थे और फिर आगे कहते हैं भूतनाथ विद्याधर चौथी लाइन में और कहाँ जाते थे कहते हैं विद्याधर विद्याधर जो देवताओं की एक जाति है यहाँ पर विद्या का अर्थ है भक्ति विद्या माने भक्ति शिक्षा में हम गाते हैं ना विद्या वधु जीवनम विद्या जो है ना वधु है विद्या वधु माने पत्नी है मतलब वाइफ है विद्या वधु है विद्या यदि वधु है तो पति कौन है भगवान कृष्णा तो विद्या किसे कहते हैं मतलब पति पत्नी जो होती है पति के पीछे पीछे चलती है पत्नी आजकल की पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं मैं थोड़ी सी संस्कारी पत्नी की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी जो जेन्यून होती है मतलब आप सब जैसी पत्नियां आप सब हैं है? नहीं तो कल ये नंबर कम हो जाएंगे तो आ, पत्नी जो होती है ना वेदों के अनुसार पत्नी पति के पीछे पीछे चलती है आज तो कुछ सीन अलग ही होता है मार्केट से शॉपिंग करके निकलते हैं पत्नी बीस कदम आगे होती हैं पति कुली की तरह आधा सामान यहाँ टांगा होता है आधा यहाँ टांगा होता है दो बच्चे कंधे पर होते हैं और ट्रोली खींच कर पति पीछे पीछे चलते हैं और पत्नी पाकिट हाथ में लेकर आगे आगे चलती आज कुछ थोड़ा सा उल्टा हो गया है आँखों से देखी हुई बात है कि मंदिर में पति पत्नी आए और पत्नी ने चप्पल निकाला और पति ने उस पत्नी के चप्पल को इसे हाथ में उठा उसे पत्नी के पीछे पीछे चल रहा है उस चप्पल को रखने के लिए तो आज थोड़ी सिस्टम थोड़ी सी भिन्न है एडवांस है लेकिन यहां पर जो बात हो रही है ना विद्या वधु जीवनम की तो पत्नी पति के पीछे पीछे चलती है तो विद्या को पत्नी कहा गया हुँ? विद्या माने पत्नी तो पत्नी जो है वो पति के पीछे चलती है तो वही विद्या विद्या है जो कृष्ण के पीछे चलती है अर्थात कृष्ण विषयक विद्या माने भक्ति तो यहाँ पर लिखा है विद्याधर माने भक्ति को धारण करने वाले भक्तों के लोक में भक्तों के समाज में ये नव योगेश्वर मुनि जाते थे और फिर कहते हैं द्वीज द्वीज माने ब्राह्मणों के लोक में जाते थे ब्राह्मणों के पास जाते थे ब्राह्मणों के साथ बैठकर वे आ, कथा कीर्तन आदि उनकी संगति करते थे और फिर अंत में कहते हैं गवाम विद्याधर द्विज गवाम गवाम माने गाय हैं गवाम माने गौशाला में जाते थे राधा गोविंद गौशाला में जाते थे गवाम माने गाय जहाँ रहती है ऐसे लोक में जाते हैं एक आचार्य ने कहा गवाम माने गाय जहाँ रहती है ऐसे गोकुल में जाते थे ब्रज में जाते थे वृंदावन जाते थे तो ये सब जगह पर जाते थे क्यों भुवनानी कामम ये सब लोग पर जाते थे कामम अपनी इच्छा के अनुसार इन सभी जगहों के ऊपर बिना विचरण किए बिना रोके विचरण करते थे तो प्रश्न हो सकता है कि इतनी सारी जगहों पर नव योगेश्वर मुनि विचरण करते थे क्यों दो उद्देश्य से इन सब जगहों पर नवयोगेश्वर मुनि क्यों जाते जाते थे दो उद्देश्य से पहला उद्देश्य ध्यान से सुनिएगा पहला उद्देश्य वरिष्ठों की संगति करना कि भाई कहीं हम कोई हमसे बड़ा मिल जाए कोई 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 महान संत साधु मिल जाए तो उनका एसोसिएशन करने के लिए उनकी संगति करने के लिए और दूसरा यदि कोई छोटा मिले तो उनको हम प्रचार करें उनको ज्ञान प्रदान करें केवल दो उद्देश्य और कुछ नहीं वरिष्ठों से ज्ञान ग्रहण करने भक्ति कथा सुनने और जो छोटे हैं उसे कथा सुनाने के लिए इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं एक स्वनिष्ठ दूसरे परनिष्ठ स्वनिष्ठ किसे कहते हैं स्वनिष्ठ स्व माने अपने में ही जिसको निष्ठा है अपने आप में ही जिसको निष्ठा है मतलब जो अपने लिए ही काम करते हैं जो अपने लिए ही विचरण करते हैं उसे स्वनिष्ठ कहते हैं और दूसरे होते हैं परनिष्ठ जो परोपकार के लिए जो दूसरों के लिए ही विचरण करते हैं दूसरों के लिए ही काम करते हैं लेकिन भक्त को न तो मात्र स्वनिष्ठ होना चाहिए और भक्त को न तो मात्र परनिष्ठ होना चाहिए ध्यान से सुनिएगा कई बार कुछ लोग कहते हैं हम लोग परनिष्ठ बनेंगे परनिष्ठ बनेंगे हम लोग परोपकार करेंगे परोपकार करेंगे लेकिन परोपकार करने की योग्यता है हमारे अंदर मान लो हम किसी के पास चले भी गए तो किसी को ज्ञान दे सके क्या उतना ज्ञान हमारे अंदर है क्या हम किसी को भक्ति दे सके कृपा आशीर्वाद दे सके क्या हमारे अंदर वो सामर्थ्य है इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात बताई के भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार ध्यान से सुनिएगा हम लोग बड़ा मार खा जाते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक कौरी कर पर उपकार महाप्रभु ने क्या कहा पहले अपना जन्म सार्थक करो और फिर दूसरों पर उपकार करो हमारा क्या ना हमारा खुद ठिकाना नहीं खुद को तैरने को आता नहीं और जो दूसरा डूबा है उसको बचाने जा रहे हैं ये मैं मेरे जैसी बात कर रहा हूँ आप सब तो बस पहुँचे हुए मुक्ति के दरवाजे पर हो बस केवल बेल बजाना है और मुक्ति प्राप्त मैं मेरे जैसों की बात कर रहा हूँ खुद को तैरना आता नहीं है और कोई बंदा डूब रहा है उसको बचाने निकले हैं वो भी डूबेगा ये भी डूबेगा उससे अच्छा है ना जाए तो वो बेचारा किसी और को तो पुकारेगा उसको आशा है कि ये आकर मुझे बचाए ये आकर बचाएगा ये आकर बचाएगा ये पहुंच जाता है फिर कहते हैं मुझे तो तैरने नहीं आता तो साले पहले बोलना चाहिए था तो मैं किसी और को पुकारता हमारा कुछ ऐसा है कि धोती कुर्ता तिलक शिखा पहनकर निकल पड़ता है बेचारे संसार के लोगों को होता है कि ये हमको तार देगा ये हमको मुक्त कर देगा लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये भी मुक्त नहीं है और इसके कारण मैं भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा इसलिए चैतन्य महाप्रभु की बात याद रखें कि जन्म सार्थक करी उपकार तो करना है मुझे बताइए कि आपके आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं कोई भिक्षुक आपके पास आ गया उस भिक्षुक के ऊपर आपको दया भी आ गई आपका हृदय आर्द हो गया दया आ गई और आप उसको कुछ देना चाहते लेकिन आपके जेब में ही कुछ नहीं है जब आपके पास हमारे पास जब कुछ नहीं है तो वह दया क्या काम की हमारी जो दया है वो दया क्या काम में आएगी जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो दया तो होनी चाहिए साथ ही साथ कैपेसिटी भी होनी चाहिए और उस कैपेसिटी को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा जन्म सार्थक करी अपना जन्म सार्थक करो और फिर परोपकार करो हमारी हालत कैसी है तब तो कुछ लोग कहेंगे तो भाई पहले हम लोग जन्म सार्थक करेंगे और जन्म सार्थक करते करते तो मर जाएंगे इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने एक बीच का रास्ता निकाला क्या रास्ता निकाला शिल प्रभुपाद जी बिल्कुल आधुनिक जमाने के आधुनिक प्रैक्टिकल संत हुए शिल प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार तो करना है लेकिन जन्म सार्थक करते करते परोपकार करना है जन्म सार्थक करते रहो और जन्म सार्थक करते करते परोपकार करते रहो अर्थात प्रभुपाध जी ने सिखाया रोज सुबह मंगला आरती में जगो गुरु पूजा करो आ, आ, न, 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 तुलसी आरती करो नरसिंह आरती करो शिक्षा अष्टकम करो एक स्थान पर बैठकर 16 माला जाप करो भागवत का पठन पाठन करो जन्म सार्थक हो गया दोपहर को बारह बजे तक और बारह बजे के बाद निकल पड़ो कर परोपकार है तो शिल प्रभुपाध्य ने सिखाया कि जन्म सार्थक करते रहो साधना भक्ति स्वयं करते रहो और परोपकार करते रहो इसलिए ये, ये, मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है लेकिन जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम सब साधक है है ना हम, चो, हम हम कोई सिद्ध संत नहीं है हम कोई बस बस पहुँचे हुए महात्मा नहीं है हम खुद अपना जन्म सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जितना हो सके उतना परोपकार करने का प्रयास कर रहे हैं मतलब पैरलर चल रहे हैं ये गाड़ी दो ट्रैक पर चल रही है, है? मुझे ये भक्तों का फोन आता है कहते हैं प्रभु कल क्या कथा करोगे ये अमित नारायण प्रभु स्पेशल गोविंद टीवी का मुझे मैसेज रोज आता है प्रभु कल क्या कथा करोगे पहले से बता दो ना तो हम फोटो वोटो सेट करके रखेंगे तो हम है ना अच्छे से कर पाएंगे तो मैं उनको कुछ दिन से यही कहता हूँ हमारा क्या है ना हम रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं हमारी हालत ऐसी है कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं मतलब रोज भजन साधन साधना भक्ति और थोड़ा अध्ययन आदि करते हैं और रोज बोलते हैं हमें तो एक दिन पहले भी पता नहीं होता कि कल हमको क्या बोलना है है ना तो जन्म सार्थक करिए अपना सार्थक करते रहे और पर उपकार करते रहे दोनों ट्रैक पर चलते रहे लेकिन याद रहे मैं मेरे जैसे प्रचारकों की बात कर रहा हूँ कि परोपकार करते 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 ये जन्म सार्थक करना न भूल जाए यदि हम केवल परोपकार करेंगे और स्वयं साधना नहीं करेंगे भक्ति नहीं करेंगे तो वह परोपकार पतन का कारण बनेगा न? वो हमारे भक्ति का हमारे जीवन का पतन का कारण बनेगा इसलिए साधना न? भक्ति स्वयं अपना अभ्यास प्रैक्टिस और परोपकार दोनों पैरेलल में चलना चाहिए तो यहाँ पर नव योगेश्वर मुनि के लिए कहा गया कि अव्याहतेष्ट गति सिद्ध साध्य वे स्वयं अपना उद्धार करके अपना उद्धार करने के लिए विचरण करते थे और मौका मिलने पर वे प्रचार करते थे इस प्रकार से इस उद्देश्य से वे विचरण करते थे लेकिन हम में और उनमें अंतर इतना है कि तीसरी लाइन में कहते हैं ना मुक्ता चरंती नवयोगेश्वर मुनि मुक्त चरंती मुक्त रूप से विचरण करते थे और हम लोग कर्म बंधन में बंधे हुए हैं हम लोग ऐसा कहते ना हम लोग स्वतंत्र हैं हमारा देश आजाद है हम हमारा हमारी लाइफ स्वतंत्र है हम इंडिपेंडेंट हैं बात सत्य है लेकिन हमारी स्वतंत्रता कैसी है जानते हैं आप आप इमेजिन कीजिए एक बकरी है बकरी बकरी जानते ना एक बकरी है बकरी के गले में रस्सी बांधी है और रस्सी जो है दस मीटर की है और वह दस मीटर की रस्सी किसी पेड़ के साथ बांधी हुई है तो बकरी सोचती है कि मैं स्वतंत्र हूं मैं स्वतंत्र हूं लेकिन उस बकरी की स्वतंत्रता कितनी है केवल दस मीटर की हाँ स्वतंत्र है माना जाएगा कि वो बकरी स्वतंत्र है लेकिन कितनी स्वतंत्र है दस मीटर की स्वतंत्रता है वह दस मीटर से आगे जाना चाहेगी <coughs> तो वह स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है वैसे हम आप हम सब लोग स्वतंत्र हैं लेकिन कुछ मात्रा में ही स्वतंत्र है हमारी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है लेकिन नवयोगेश्वर मुनि मुक्ता चरंती तो इस प्रकार से नव योगेश्वर स्वतंत्र गति से स्वच्छ स्वचंद गति से विचरण करते 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 जनकपुर में पहुंच गए हैं है? जनकपुर जिसके विषय में कहा गया कि जनकपुर मेरे तो आंखों के सामने नगरी वह जनकपुर राजा जनक का महल वो मिथिला नगरी रामायण में लिखा गया कि दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं और दुनिया में जहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ बुरे लोग रहते हैं लेकिन हाँ अयोध्या जिसमें सब लोग अच्छे रहते थे लेकिन अयोध्या में एक मंथरा बुरी थी रावण की लंका में सब लोग बुरे रहते थे लेकिन उस रावण की लंका में एक अच्छा आदमी रहता था विभीषण दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सब अच्छे हो सब बुरे हो लेकिन हाँ इस दुनिया में एक स्थान ऐसा है जहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं जहाँ सब गुणवान है शिलवान है और वो है जनकपुर तो ये नव योगेश्वर मुनि विचरण करते 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 जनकपुर में पहुंचे हैं और उसी समय जनकपुर के राजा निमी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते हुए नव योगेश्वर को देखेंगे तरम उप जगमो यदि छया वीतायमान ऋषि भी वितायमान ऋषि भी अज भे महात्मना अज भे महात्मना सोईस प्रकार मुक्ता चरंती मुक्त रूप से विचरण करते करते नव योगेश्वर मुनि जनकपुर में पहुंचे तो यहाँ कहते हैं त एकदा एक समय की बात त माने त माने वो त माने वे वो ऊपर जो अभी बताया गया ना नव योगेश्वर त माने वह नव योगेश्वर एकदा एक समय की बात निमे सत्रम निमे माने निमी महाराज अब ये समझ लेना आवश्यक है ये निमी महाराज कौन है ये निमी महाराज जनकपुर के राजा है और जनकपुर में जितने भी राजा होते हैं उन सभी राजा को जनक कहा जाता है या विदेह कहा जाता है जनकपुर के सभी राजा को जनक कहा जाता है तो आगे चलकर जनक नाम आएगा विदेह नाम आएगा तो आप यह मत समझिएगा कि ये सीता जी के पिता है ये जनक सीता जी के पिता नहीं वही सीता जी के वंश में जनक जी के वंश परंपरा में एक राजा हुए जिसका नाम था निमी महाराज तो जनकपुर के राजा वर्तमान में निमि महाराज है और वे निमी महाराज क्या निमी महाराज कैसे हैं अब देखिए थोड़ा सा व्याकरण संस्कृत थोड़ा सा बता दूं सीखना है देखिए यहाँ पर संस्कृत में विभक्ति होती है जहाँ पर समान विभक्ति का इस्तेमाल होता है तो वह शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ज़्यादा नहीं सिंपल से आप देखिए कि इस श्लोक में निमे हैं आप देखो निमे हैं निमे के बाद में दो टपका है दो पॉइंट हैं ठीक है अब इस पूरे श्लोक में ऐसा ही शब्द कहां है आप ढूंढो निमे है निमि निमे की बाद में वो जो दो पॉइंट हैं, दो टपका है ऐसा ही शब्द और कहां है तो चौथी लाइन में अंतिम जो शब्द है महात्मन ठीक है तो निमे है में जो विभक्ति यूज हुई है वही विभक्ति महात्मन में यूज हुई है तो इसका अर्थ है के निमी और महात्मन ये दोनों को जोड़ना होगा तो इसका अर्थ ये होगा कि निमी महाराज कैसे हैं तो कहते हैं महात्मन भले अब ये संस्कृत है ना, आ, हम हिंदी में होते तो महात्मन को निमी के बाजू में जोड़ देते वो महात्मा शब्द जो है ना निमी के बाजू में रखते लेकिन ये संस्कृत है संस्कृत की स्टाइल इस प्रकार से होती है तो फिर पकड़ा कैसे जाए तो समान विभक्ति को देखकर पकड़ा जाएगा सो निमे है निमी महाराज प्रश्न हो कैसे हैं? तो उसको नीचे से लेना होगा महात्मा निमी महाराज जो है वो महात्मा है महात्मा माने महाभागवत महाभागवत माने भगवान को पूर्ण रूप से समझने वाले जैसे भागवत में बारह महाजन का वर्णन हुआ है स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म वैया सकीर वयम यद्यपि जनक जी का नाम उस बारह महाजन में है निमि महाराज का नहीं लेकिन वे बारह महाजन जैसे हैं सो ऐसे मिथिला के राजा निमे हैं महात्म वे महात्मा है शिल प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया में लोग परमात्मा बनना चाहते हैं परमात्मा का ध्यान करेंगे परमात्मा बन जाएंगे भगवान का भगवान का ध्यान करेंगे भगवान बन जाएंगे तो महात्मन शब्द से शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ये संसार का छोटा सा जीव कभी परमात्मा नहीं बन सकता लेकिन हाँ यदि ये जीव भगवान का भजन करे तो महात्मा अवश्य बन सकता है तो शिल प्रभुपाद जी का कहना है कि महाआत्मा बनना चाहते हैं तो भगवान से कृष्ण का भजन करना चाहिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए तो निमी महाराज महात्मा है महात्मा तो एकदा ऐसे महात्मन निमी महाराज अब ये संस्कृत आपको पता चल गया ना आपको समझ में आ गया ये स, विभक्ति जो है कैसे चलती है अब और आगे चलिए आ, सत्रम निमी महाराज क्या रहे थे सत्रम सत्र कर रहे थे है? सत्र का अर्थ होता है यज्ञ सत्र माने यज्ञ लेकिन यज्ञ भी बहुत प्रकार के होते हैं यज्ञ आहूति प्रधान यज्ञ होते हैं और ज्ञान प्रधान यज्ञ होते हैं एक प्रकार का यज्ञ ऐसा होता है कि जहां पर केवल हा हा हूहू हु, केवल आहुति ही आहुति होती है लेकिन एक दूसरी प्रकार का यज्ञ होता है कि जहां नाम मात्र की आहुति होती है लेकिन उस यज्ञ का विशेष उद्देश्य उद्देश्य ज्ञान के लिए होता है तो वह सत्रम चल रहा था और वह सत्रम किसके द्वारा हो रहा था इसकी भी विभक्ति चेक कर लीजिए अब मैं तो बैठा ही हूं सिखाने के लिए तो यह भी सिखा दू देखिए सत्रम म जो है इसमें आधा है सत्रम ओके okay? तो तीसरी लाइन में ऋषि भीर म की तरह ही ऋषि भीर दोनों सेम हो गया म और र, तो ये सत्रम शब्द ऋषि भी से जुड़ा हुआ है इसका अर्थ ये सत्र ये यज्ञ हो रहा था किसके द्वारा ऋषि भी ऋषियों के द्वारा तो बहुत सुंदर वितायमाना ऋषि भी ऋषियों के द्वारा महाराज निमी को यज्ञ कराया जा रहा था लेकिन ये यज्ञ द्रव्य प्रधान आहूति प्रधान नहीं सतसंग प्रधान यज्ञ था अर्थात इस यज्ञ में सतसंग की विशेषता थी जैसे आप युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ देखिए युधिष्ठिर महाराज ने रात सुई यज्ञ किया अब राजस्व यज्ञ में कौन सी आहुति दाली कैसी आहुति दाली इसका वर्णन नहीं है लेकिन हाँ पूरे राजस्वीय सभा में जो कथा हुई जो सत्संग हुआ वो पूरा श्रीमद भागवत का सातवा स्कंध है तो युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया तो वो सतसंग प्रधान यज्ञ था कल हमने सुना भरत महाराज ने जो यज्ञ किए वो सत्संग प्रधान यज्ञ थे तो यज्ञ होना चाहिए सतसंग प्रधान यज्ञ होना चाहिए तो यहां पर एकदा एक समय की बात निमह निमि महाराज सत्रम यज्ञ कर रहे थे सतसंग प्रधान यज्ञ कर रहे थे और ऐसे सतसंग प्रधान जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ में उपजगमु उपजगमु माने पहुंच गए कौन पहुंच गए जिसकी बात हम दो दिन से सुन रहे हैं ये नव योगेश्वर मुनि तो उपजगमु कैसे पहुंच गए किसी ने निमंत्रण किया था किसी ने कंकोत्री भेजी थी बोले नहीं उपजगमु यत इच्छया उस निमि महाराज के सतसंग प्रधान यज्ञ में नव योगेश्वर मुनि उपजगमु पहुंच गए कैसे यदि यदिच्छया यत इच्छया इसके दो अर्थ हैं वे अपनी इच्छा से पहुंचे और यत माने भगवत इच्छया भगवान की इच्छा से वहां पर पहुंच गए और ये यज्ञ कहाँ हो रहा था तो कहते हैं अजनाभ है चौथी लाइन में कहते हैं अजनाभ वर्ष में अजनाब माने भारत वर्ष में सो भारत वर्ष में जनकपुर में यज्ञ सतसंग प्रधान यज्ञ हो रहा था ऋषि मुनियों के द्वारा ये यज्ञ में पहुँच गए नव योगेश्वर मुनि अब आप इमेजिन कीजिए ये फोटो मेरे गोविंद टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे पीछे फोटो है ये फोटो में जो दाढ़ी वाले मरुण रंग का लाल कलर का जैकेट पहनकर जो दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं ये निमी महाराज है सो so, निमी महाराज यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ करते हुए निमी महाराज ने कुछ देखा तान दृष्टवा सूर्य सकांशन महाभाग वता नृप यजमानोग्नयो विप्रा यजमानोग्न अग्नयो विप्रा सर्व एवोपतस्थिरे सर्व एवोपतस्थिरे निमि महाराज सतसंग प्रधान यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में तान दृष्टवा निमी महाराज ने देखा श्लोक की प्रथम लाइन में तान दृष्टवा निमी महाराज ने तान वह देखा क्या देखा सूर्य सकांशान सूर्य के समान सूर्य तो आकाश में था लेकिन वैसे ही सूर्य के समान नौ सूर्य उग गए मैंने निमी महाराज ने देखा कि आज जनकपुर में दस दस सूर्य कैसे उगाए एक सूर्य तो हम जिसको जानते हैं बाकी ये नव योगेश्वर नव सूर्य के समान इसलिए कहते हैं सूर्य सकांशान तो, सकांशान का अर्थ होता है आ, आ, काश का अर्थ होता है प्रकाश हु? जैसे हम कहते हैं ना प्रकाश प्रकाश माने प्रकृष्ट रूपेण काश माने तेज भाव तो सकांशान भी होता है सम्यक रूपेण प्रकाश तो संकाशान और प्रकाश ये दोनों का अर्थ सेम है चाहे प्रकृष्ट रूप का हो चाहे सम्यक रूप का हो तो काश माने प्रकाश तो सूर्य के समान प्रकाशवान भागवतान नृप न्रीप, नृप महाराज निमि ने देखा कि सूर्य के समान चमकते हुए महाभागवतान महाभागवतों को उन्होंने देखा है? अब मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि केवल देखकर समझ में आ गया कि महाभागवत है, है लेकिन हां भक्तों जो महाभागवत होता है ना उनका प्रभाव कुछ अलग होता है उनके चेहरे का तेज कुछ अलग होता है उनकी चेष्टा भिन्न होती है और समझने वाले को समझ में आ जाता है कि निश्चित ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं ये महाभागवत है बुद्धिमान व्यक्तियों को ये सब समझ में आता है बाकी जिसका चौथा माला खाली होता है ना उसको तो महाभागवत भागवत क्या और दुनिया के लोग उसको तो कुछ आलू गाजर एक भाव घोड़ा गद्दा एक भाव हा? लेकिन हाँ जो बुद्धिमान होते हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है जिन्होंने संतों की संगति की है वो तो समझ जाते हैं। तो महाराज निमि महाभागवतान भागवतान नृप समझ गए कि ये महाभागवतान महाभागवत है और फिर आकाश में नव योगेश्वर महाभागवत को जब प्रकट हुए देखा तो यजमानो अग्नयो विप्रा सर्व एवं उपस्थिरे सब लोग खड़े हो गए कौन कौन खड़े हुए यजमान निमि महाराज खड़े हो गए अग्नयो अग्नि में आहुति देने वाले होता खड़े हो गए विप्रा उस सभा में जितने भी सतसंग हो रहा था जितने भी लोग आए थे विप्रा, वे सब लोग सर्व एवो पतस्थिरे, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए क्यों खड़े हुए एवो पतस्थिरे, नव योगेश्वर मुनि का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए एक बात याद रखिए इसके पहले नव योगेश्वर कभी मिले नहीं है ऐसा नहीं है कि पहले से जानते थे लेकिन इनके प्रभाव को देखकर इनके प्रकाश को आभाव को देखकर ये सब समझ गए कि ये महाभागवत है और सत्संग हो रहा है और इस सत्संग का लाभ देने के लिए ये हमारे सभा में प्रकट प्रवेश किए हैं इसलिए सब लोग बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है चौथी लाइन में सर्व एव उप उपतस्थिरे सब लोग अपने अपने स्थान पर स्वागत के लिए खड़े हो गए मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति हमसे महान गुणों में वैराग्य में ज्ञान में या भक्ति में हमसे महान व्यक्ति हो भले उम्र में छोटा हो लेकिन किसी भी मायने में यदि कोई हमसे महान व्यक्ति हमारी सभा में आए तो हमें अपने सारे शिष्यों के साथ या हमारे अनुचरों के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए तो यहाँ पर उपस्थिर है स्वागत में खड़े होने का विधान है और यदि किसी महान व्यक्ति के स्वागत में हम खड़े नहीं होते हैं तो हमारी आयुष्य घट जाती है, हमारी उम्र घट जाती है और दूसरा अपराध लगता है देवराज इंद्र की सभा में बृहस्पति ऋषि आए और इंद्र खड़े नहीं हुए इतना अपराध लगा इतना अपराध लगा कि स्वर्ग को अपने हाथों से खोना पड़ा और प्रसिद्ध कथा पुराण में भी है भागवत में भी रामायण में भी है कि दक्ष प्रजापति के आगमन से शिव जी खड़े नहीं हुए तो कितना बड़ा आतंक मच गया हालांकि वहाँ तो गलती दक्ष प्रजापति की थी उनको अभिमान था अहंकार था और शिव शिव तो दक्ष प्रजापति से भी महान है श्रेष्ठ हैं लेकिन लीला और संबंध की दृष्टि से दक्ष प्रजापति उनके ससुर जी लगते हैं सब लोग खड़े हुए शिव जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और उस क्रोध के चलते क्या क्या गलत गलत शब्द बोले और शिव जी को यज्ञ के भाग से मुक्त कर दिया और शिव जी से द्रोह करते हुए दक्ष ने ऐसा यज्ञ रचा कि दुनिया के छोटे बड़े सब को बुलाया लेकिन शिव जी को और उनकी बेटी सती को नहीं बुलाया और फिर शिवजी की कोई गलती नहीं लेकिन फिर भी जो अभिमानी होता है ना वो गलती मान लेता है शिवजी प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का दर्शन करते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं कोई गलती शिवजी की नहीं थी लेकिन दक्ष ने मान लिया कि शिव की गलती है दुनिया में भी दक्ष जैसे लोगों की कमी नहीं है कभी कभी साधु संतों की कोई गलती नहीं होती लेकिन फिर भी दुनिया के लोग बस मान लेते हैं कि इसकी गलती है मान लेते हैं। <laughs> दो दिन पहले ही गोविंद टीवी का मुझे फोन था कि प्रभु आ, पता नहीं जब ये आपकी कथा होती है तो हजारों लोग देखते हैं लेकिन दो तीन लोग ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं मतलब ये ये अंगूठा ऐसे नीचे होता है ना यूट्यूब में कुछ ऐसा होता होगा मैंने तो देखा नहीं तो प्रभु आ, हम हम अब इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई कौन है मैंने कहा कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं कुछ लोग रिजर्व होते हैं कुछ लोग कथा इसलिए ही सुनते हैं कि हम डिसलाइक कैसे करें है? <laughs> कुछ लोग कमेंट भी होते हैं इसमें डिसलाइक करने जैसा है क्या और डिसलाइक ही करने तो सुन क्यों रहे हो लेकिन नहीं सुनेंगे पूरा ज्ञान पूरा लेंगे मटेरियल पूरा लिखेंगे और फिर जाते जाते डिसलाइक करके जाएंगे समाज में कुछ ऐसे लोग रिजर्व होते हैं जो कोई साधु की कोई गलती नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं और फिर ऐसे लोगों को साथ देने वाले भी मिल जाते हैं आ, आप ये सती का प्रसंग मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन कभी हम विस्तार से सुनेंगे अब सत, जब यज्ञ रचा तो सती गई सती गई उस यज्ञ में सती गई तो उसको साथ देने वाले सती को कहने लगे ओ आप आई आपके पति नहीं आए सब कुछ जानते हैं सब चीज पता है लेकिन जले पर नमक छिड़कना पता जानते ना, तो कुछ लोग साधु की गलती नहीं लेकिन फिर भी वो गलती पकड़ लेते हैं मान लेते हैं और फिर उनको साथ और साथ देने वाला कौन होता जानते हैं हमारे ही आजू बाजू के होते हैं अपने ही निकट के लोग ही ऐसे लोगों का साथ देते हैं हाँ गलती हो सकती है, है? और फिर बड़ा मत फिर अंत में होता क्या है शिवजी के द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया गया इसमें मात्र तबाही होती है इसमें मात्र अपना दूसरों का सबकी बर्बादी होती है सुकुल मिलाकर कहने का यहां अर्थ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करता है तो उनका आदर करने के लिए अपने स्थान पर खड़ा हो जाना है कभी कभी किसी के अच्छे कार्य का हमें मूड पता नहीं होता हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आता लेकिन लोग आदर कर रहे हैं तो लोगों के साथ आदर करने में क्या हरज है तो यहाँ पर यजमानों अग्नयों विप्रा सर्वे एव उपस्थि रहे सब लोग खड़े उस सभा में छोटे बच्चे भी थे अब बच्चों को क्या बुद्धि है कि ये नव योगेश्वर महाभागवत भगवान को जानने वाले लेकिन बच्चों ने देखा हमारे माँ बाप खड़े हुए हैं हम भी खड़े हो जाए कभी कभी अपनी बुद्धि ना चले तो साधु संतों की बुद्धि चलती है उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं ये खड़े हुए हैं तो हमें भी खड़े हो जाना चाहिए तो बहुत सुंदर कहते हैं सर्व एवं उपतस्थिर सब लोग खड़े हो गए और फिर आगे खड़े होकर निमी महाराज महाराज निमी महराज ने क्या किया यदि मन में प्रश्न हो कि उन आकाश में नौ लोगों को देखकर निमी महाराज ने क्या किया तब नारद मुनि वसुदेव जी को कहते हैं विदेहता अभी प्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्पूजयां चक्रे आसनस्थानीयथार्हतः आसनस्थानियथातः नारद मुनि कहते हैं कि विदेह स्थान अभिप्रेत्य सर्वप्रथम विदेह देखिए यहाँ पर विदेह आया ना पहले निमि पहले जनकपुर के राजा के लिए निमि शब्द आया अब यहाँ पर कहते हैं विदेह वो निमिमा फिर आगे जनक भी आएगा तो ये पहले से ही आपको मैं बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो तो ये ये विदेह ने जनक जी ने या निमि महाराज ने क्या किया तान अभिप्रेत्य पहले तो उनको समझ गए जान लिए क्या जान लिए विदेहस्थान अभिप्रेत्य विदेह राज ने जनक जी ने निमि महाराज ने उन नौ एक, नौ को अभिप्रेत्य मैंने समझ लिया जान लिया क्या जान लिया नारायण परायण कि ये नौ ऋषि जो है ये नौ ऋषि मुनि जो है नारायण पारायण है अर्थात नारायण के परम शुद्ध भक्त है भगवान के शुद्ध भक्त है भक्तो नारायण पारायण का अर्थ होता है इसको समझने के लिए पहले ये समझिए हमारे चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कहते हैं शिष्णो दर पारायण कृष्ण ना ही पाए जिवहार लालसा इति उति धाए ये जिवाग की लालसा इति उति होगी तो शिष्णो दर पारायण कृष्ण नहीं, माने माने जो जीवा को परायण होता है यहां नारायण परायण ना तो जो जिवापरायण होता है उसे टेस्टी टेस्टी पदार्थ खाने में बड़ा आनंद आता है तो जिहापरायण व्यक्ति को टेस्टफुल पदार्थ खाने में आनंद आता है ठीक उसी प्रकार जो नारायण परायण होता है उसे नारायण का नाम लेने में नारायण की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता है भक्तों मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा रामचरित मानस बड़े भाव से प्रेममय राम की कथा को गाई और राम कथा को अंत रामायण को एंड कैसे किया जानते हैं रामायण को अंत भगवान को प्राम प्रार्थना करते हुए करते हैं कहते हैं कैसी प्रार्थना वे कहते हैं कामी निया लोभिः प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरन्तर तिमि रघुनाथ निरन्तर लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम हे रघुनाथ हे राम प्रभु में ज्यादा तो नहीं लेकिन आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि बस आप में मेरी आसक्ति हो जाए प्रभु आप मुझे प्रिय लगो मेरा आपसे प्रेम हो जाए वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो दृष्टांत दिए एक काम ही नारी पियारी जी में एक पुरुष के मन में कामना हो वासना हो जैसे किसी कामी व्यक्ति को किसी नारी किसी स्त्री के साथ प्रेम होता है तो वो रात दिन चौबीसों घंटा उस स्त्री का ही स्मरण करते रहता है खाते पीते चलते बैठते बस वो स्त्री 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 जैसे कामी व्यक्ति को किसी स्त्री का स्मरण होता है और लोभी है प्रिय जिमी दाम और जैसे लोभी का प्रेम धन से होता है कामी पुरुष का प्रेम किसी नारी से होता है लोभी का प्रेम जैसे किसी धन से होता है तिम रघुनाथ निरंतर है रघुनाथ उसी प्रकार से निरंतर मेरा आप से प्रेम होता रहे ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए तो भक्तों नारायण परायण का अर्थ है कि जैसे कामी व्यक्ति स्त्री परायण होता है और लोभी व्यक्ति धन परायण होता है बस दो के चार कैसे हो चार के आठ कैसे हो बस धन को कैसे संभाले बढ़ाए बस इसी में लगा रहता है कामी स्त्री में लोभी धन में ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति नारायण भगवान कृष्ण में लगा रहता है उसे नारायण परायण कहते हैं और यहां पर ये नारायण परायण है नारायण में पूर्ण रूप से आसक्त है नारायण में जिसका मन लगा हुआ है तो ऐसे नव योगेश्वर मुनि को प्रीत समी महाराज ने विदेहराज ने प्रीत प्रेम से प्रसन्नता से सम पूजयाम सम्यक रूप से उनकी पूजा की अब पूजा से समझ लेना चाहिए सबको वाणी से स्वागत किया सुंदर नव व्यासपीठ अब ये तो राजा थे इशारा किया उनके अनुचर बड़े बड़े व्यास मंच लेकर आए और नौ ऋषि मुनियों को नौ व्यासपीठ पर बिठाया उनके चरणों को धोया उनकी आरती पूजा भोजन सब कुछ कराया इसलिए कहते हैं प्रीत सम पूजयाम इस एक शब्द से सब समझ लेना चाहिए प्रीत सम पूजयाम चक्रे और फिर समझने वाली जो बात है वो ये है आसन स्थान यथारहत बहुत सुंदर बात, बात तो ये ये પર મેં થોડા ટાઈમ લઉંગા પ્રીત સમ પૂજયામ ઉવ યોગેશ્વર કો આસન પર બિા દર ફિર નિમી મહારાજ આસન સ્થાન યથાર્થ અરે નિમી મહારાજ આપણે ગુજરાતીમાં બહુ સારો શબ્દ છે ગોઠવાઈ ગયા નિમી મહારાજ બ્રાહ્મણ વિપ્ર બચ્ચે સ્ત્રી એ જેને બી થો બધા ગોઠવાઈ ગયા ગોઠવાઈ ગયા સમજો વક્તા આવ્યા હોય અને ભીડ લાગી હોય અને વક્તા જયારે બેસે ને કેમ બધા ગોઠવાઈ જાય बताए सब लोग सेट हो गए और बहुत सुंदर शब्द है आसन स्थान यथार ऐसे बैठे माने जैसे नव योगेश्वर सन्मुख हो सन्मुख समझ रहे ना? के सामने बड़ा महत्वपूर्ण बात है प्रत्येक श्रोता को वक्ता के सन्मुख बैठना चाहिए बुद्धि हो आप क्या लोगों ने य बुद्धि न हो कथा सांभती वक्त केवी रीते क्या बेसू अब मैंने तो कई बार देखा है कि कथा वक्ता बेचारा वहां बैठा है और ये दीवार के उस बाजू मुंह करके बैठा है, है? शास्त्र में आया है कि सन्मुख होकर बैठना चाहिए बिल्कुल वक्ता के सामने सन्मुख होकर हमारी प्रत्येक इंद्रिया वक्ता के ऊपर होनी चाहिए तब जाकर वे जो बोलेंगे हमारे समझ में आएगा नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी हमारी आँख हमारी दृष्टि यदि हट गई वक्ता से तो दुर्घटना माने मन यहां वहां स्वाभाविक चला जाएगा मन का तो स्वभाव ही है इसलिए आ, सन्मुख होकर बैठना चाहिए होड होनी चाहिए कि हम 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 सबसे आगे बैठेंगे हम आगे बैठेंगे इस प्रकार से सन्मुख होकर भक्तों गीतावली में एक बहुत सुंदर पद है गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत सुंदर भगवान रामचंद्र की एक लीला का वर्णन किया है भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जब छोटे छोटे थे तो वो खेल खेलते थे और खेल खेलने में क्या होता था? टीम बनानी होती थी अब चार लोग तो थे और भी कुछ बच्चे होंगे वो सारे बच्चे मिलकर दो टीम होती थी अब टीम टीम में चुनाव के पहले ही लक्ष्मण जी राम के पास दौड़कर आ जाते थे मैं राम के साथ रहूं तो लोग चिल्लाते थे नहीं टीम बनेगी और टीम में जो जिसमें जाएगा बोले नहीं आपकी टीम जो भी हो मैं मेरे भाई राम के साथ रहूंगा लक्ष्मण राम के साथ अब लक्ष्मण तो बचपन से ही उनका पारा चढ़ी जाता था जब कोई व्यक्ति राम से दूध कर, दूर करना चाहता था बोले मैं राम के साथ रहूंगा बोले लीगल इलीगल जो भी आप समझो आपकी टीम जो भी बने मैं बाय डिफॉल्ट मैं राम की टीम में रहूंगा अब लक्ष्मण राम के पास चले जाते हैं तो दूसरी टीम में भरत और शत्रुघ्न हो जाते तो भरत और शत्रुघ्न की टीम होती यहाँ यहाँ लक्ष्मण और राम की टीम होती तब समाज के लोग ध्यान से सुनिएगा तब अयोध्या के अब बाहर के लोग नहीं बोलते अपने लोग ही बोलते हैं अपने लोग कहने लगे देखो कई कई तो वैसी है ही उसका बेटा भी वैसा है कई कई-कई तो वैसी है उसका बेटा भी वैसा है कि राम के पक्ष में न रहकर राम के विपक्ष में खड़ा रहा भरत भरत राम के विपक्ष में खड़ा रहा गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा तब वो छोटा सा भरत बोल पड़ा लक्ष्मण कोई बात नहीं तू राम के साथ रहे मैं राम से विपक्ष में रहूंगा लेकिन मुझे लाभ ये होगा कि विपक्ष के पक्ष में विपक्ष की टीम में रहकर मैं राम को सन्मुख होकर देखता रहूंगा भले संसार के लोग मुझे कलंक दे या मुझे चिल्लाए मुझे गाली दे लेकिन मैं राम के सन्मुख सन्मुख माने राम के मुख के सामने रहूंगा और राम के रूप सुंदरता को जी भर के देखता रहूंगा फिर क्या हुआ अब खेल तो बहुत बड़ा चला फिर क्या हुआ भगवान रामचंद्र ने वो गेंद होती ना बॉल भगवान रामचंद्र ने एक गेंद को अब जो स्नूकर होता है ना फुटबॉल जो होता है ना भगवान राम ने जोर से अपने पांव से उस गेंद को मारा भरत जी की टीम की ओर भरत जी ने वह गेंद पकड़ा और राम ने जितनी फोर्स से उस गेंद को फेंका था उससे डबल दो गुना जोर से भरत जी ने राम के ऊपर फेंका फिर से अयोध्या के लोग चर्चा करने लगे चर्चा करने वाले अपने ही होते हैं बाहर वाले तो बेचारे बहुत रिस्पेक्ट आदर करेंगे और जो भी करेंगे वो अपने लोग ही चर्चा करेंगे ओ अबे भगत नी पोचड़ी थी गया है लाबा लांबा गाजर जेवा तिलक करी निकले हालिद निकला अपने लोग ही चर्चा करेंगे अपने लोग चर्चा करने लगे कि देखो एक तो ये भरत विपक्ष में रहा राम ने बोल फेंका तो डबल फोर्स से भरत ने मतलब ये भरत बचपन से ही राम को मारना चाहता है बचपन से ही ये भरत राम को मारना चाहता है लेकिन धन्य हो भरत तो भरत है तो। भरत, तो भरत है भरत जी को पूछा गया ऐसा क्यों तो भरत जी कहते हैं गीतावली में लिखा भरत जी कहते हैं कि ये गेंद ये बोल राम के चरण में था और राम के चरण से दूर होकर ये मेरे पास आया तो मैंने गेंद को कहा कि तू मेरे पास क्यों आ रहा है राम के चरण को छोड़कर तू मेरे पास आ रहा है यह जोर से मारा राम का चरण ही शरण लेने लायक है इसलिए तू राम के चरण में ही पड़ा रहे इसलिए भरत ने जोर से फोर्स करके फेंका और मारा यह होती है रामलीला इस लीला से यह कहना चाहता हूं कि लास्ट लाइन में कहते हैं ना कि आसन स्थान यथारहत किस प्रकार से भगवान के सामने या वक्ता के सामने बैठना ये भी बुद्धिमानी है सन्मुख होकर बैठना चाहिए सन्मुख अर्थात आ, सामने बैठना चाहिए ताकि हम उनको देख सके वे हमें देख सकें और आ, आ, हम बिना किसी व्यवधान के उसे सुन सकें तो कहते हैं कि सन्मुख होकर बैठें और क्या किया आगे कहते हैं बैठने के बाद और क्या किया तान रोच मां नान स्वरुचा पुत्रोपमानव प्रपच्छ परम प्रीत प्रश्रया वन तो नृप प्रश्रयावन तो कहते हैं तान रोच माना स्वरुचा बहुत सुंदर बात है तान रोच माना रोच माना मैने तेज से चमक रहे थे मतलब प्रकाशित थे स्वरुचा स्वरुचा मैने अपने दम पर प्रकाशित थे आम टेकानी सरकार नती अपने गुजराती में टेका सरकार नती इस दुनिया में साधुओं को समाज में मतलब रोच माना प्रकाशित होने के लिए दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, है? दूसरों से हेल्प कैसे चेले को साथ में रखना पड़ता है अपने आश्रितों को साथ में रखते हैं थोड़ा ताम जाम बनाते हैं थोड़े कपड़े बपड़े थोड़े स्त्री टाइट और मतलब भगवा ये वो सब कुछ करके मतलब इसको कहते हैं सपोर्ट लेना तो यहाँ कहते हैं स्वरुचा किसी का सपोर्ट नहीं था अपने दम पर रोचमाना ये नवयोगेश्वर मुनि अपने दम पर प्रकाशित थे अपने दम पर सुशोभित हो रहे थे और दूसरा अर्थ ये है कि नव योगेश्वर मुनि रोचमाना प्रकाशित हो रहे थे सुशोभित हो रहे थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती बहुत साल पहले मैंने उनको सुना था मुझे बात याद आ रही है कि कहते हैं कि अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का साबुन तेल या कोई क्रीम ब्रीम नहीं लगाया था आजकल के लोग लगाते ना और फिर थोड़े से रोचमाना मेकअप वेकअप करके आते हैं बोले तान रोच माना स्वरुचा बाहर से कोई ऐसा कुछ पदार्थ नहीं लगाया था सुंदर बनने के लिए वह स्वरुचा अपने दम पर अपने आप में ही वह रोच माना था अर्थात किसी भी वक्तों साधु को है ना एडवरटाइज की जरूरत नहीं होती साधु को सच्चे संत सच्चे साधु सच्चे गुरु को किसी के एडवर्टाइज की, की जरूरत नहीं होती कई बार कुछ चेले कुछ शिष्य अपने गुरु की साधु की एडवर्टाइज करते हैं इस दुनिया में जिसका माल बिकता नहीं ना उसकी एडवर्टाइज होती है और स्वरुचा जो अपने आप में पवित्र है वो तो सूर्य की तरह होता है मानो बादल उसको ढकने का प्रयास करे कब तक ढकेंगे बादल हटे तो पूरी दुनिया समझ में समझ में आ जाएगी कि नहीं ये तो सूर्य है तो अपने दम पर रोच माना प्रकाशित थे इससे हमें क्या सीख मिलती है भक्तों हमें स्वयं ऐसी भक्ति करनी चाहिए स्वयं ऐसी साधना करनी चाहिए कि कोई किसी का सपोर्ट कोई किसी का आधार नहीं हमें अपने आप से पवित्र बनना चाहिए भक्तो जब से एक लॉकडाउन हुआ है ना मैं एक पर्सनल बात कर दूं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से दास ने ऐसा सोचा है ऐसा अभ्यास ऐसी प्रैक्टिस शुरू की है कि भाई जो भी है रोच माना स्वरुचा जो भी है अंदर से पवित्रता चाहिए अंदर से प्रसन्नता चाहिए अब ये दिखावे की पवित्रता दिखावे की प्रसन्नता बहुत हो गई अब जीवन में जो भी है वो अंदर से चाहिए अंदर से ज्ञान हो अंदर से प्रकाशित हो हम अपने आप में ही पवित्र हो अपने आप में ही सुंदर हो सोतान रोच मान स्वरुचा और कैसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पूछा जाए तो कहते ब्रह्मपुत्र ब्रह्म पुत्र उपमानन व्रह्म पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र की तरह वे सुशोभित हो रहे थे ब्रह्मा के पुत्र सनक सनातन सनंदन ये जो कुमार है ये जो चार कुमार है वैसे सुशोभित हो रहे थे।, थे सो ब्रह्मा के कुमार के समान वे चमक रहे थे सुशोभित हो रहे थे और ऐसे नवयोगेश्वर मुनि को प्रपच्छ परम प्रीत निमी महाराज ने परम प्रीत प्रेम से प्रपच्छ प्रकृष्ट रूप से पूछा मतलब पूछना प्रारंभ किया कैसे प्रश्रया अवनतो नृप नृप राजा थे निमी महाराज राजा थे लेकिन राजा होकर की होकर भी प्रश्रया अवनतो अर्थात अवनी धरती के ऊपर झुककर कर दंडवट प्रणाम करते हुए नम्रता से विनम्रता से हम्बल होकर प्रपच्छ पूछना प्रारंभ किया अर्थात निमी महाराज पूछना चाहते थे बोलना चाहते थे कुछ जिज्ञासा करना चाहते थे निमी महाराज कुछ पूछे उसके पहले दो श्लोक में अपने सौभाग्य का वर्णन करते हैं भक्तों ये भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है ये जो दो श्लोक है जबरदस्त श्लोक है इसे आपको याद करना चाहिए विदेह उवाच। विदेह नि महाराज ने कहा क्या कहा मनिये भगवत साक्षा पार्श दानव मधु द्विशह विष्णु भूता लोकाना विष्णो भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति पावनाय चरन्ति निमी महाराज कहते हैं कि मनिये भगवत साक्षात नव योगेश्वर इमेजिन कर लीजिए नव योगेश्वर आसन पर बैठे हैं पूरी सभा मिथिला जनकपुर में बैठी है और दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए प्रणाम करते हुए निमी महाराज कहते हैं कि मनिये मनिये माजे मुझे मुझे ऐसा लग रहा है निमी महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवत साक्षात पार्षद हे ऋषि मुनियों आप भगवत भगवान के साक्षात पार्षद हो वो माने हो किस भगवान के कहते मधुद्विश मधु नाम के दैत्य को मारने वाले भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के साक्षात पार्षद आप मुझे लग रहे हो दुनिया जो भी कहे देखिए यहां पर मनीय शब्द का अर्थ क्या है कि भाई इनके विषय में दो पांच लोग तो बात करते ही होंगे अब भगवान को किसी ने कृष्ण को नहीं छोड़ा शिशुपाल आदि ने तो ये तो बेचारे उनके भक्त हैं तो इनकी भी समाज में चर्चा तो होती होगी कि ये नव योगेश्वर ऐसे हैं ऐसे हैं आ, ये करते हैं वो करते हैं इसलिए कहते हैं दु, दुनिया के लोग जो भी समझे लेकिन ये निमी ये जनक क्या मानता है इसलिए मन शब्द मनिए मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जो भी समझे लेकिन मेरी दृष्टि से मधुद्विषे भगवान मधुसूदन के साक्षात पार्षदान आप साक्षात पार्षद हो और बात भी सत्य है कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के पार्षद की तरह ही होते हैं क्योंकि भगवान के धाम में जब पार्षद बनते हैं तो वे भगवान जैसे ही हो जाते हैं या फिर वर्तमान में भगवान के पार्श्दों की तरह तेजस्वी वे चमक रहे थे तो मानो नव योगेश्वर मुनि कहे कि निमी महाराज आप थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हो हैं आप प्रशंसा कर रहे हो लेकिन कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं हो गई हमें सीधे भगवान के पार्षद बोल देना ये कोई ज्यादा प्रशंसा नहीं हुई यदि हम ये नव योगेश्वर ने कहा कि यदि हम भगवान के पार्षद है तो हम भगवान के धाम में होते यहाँ क्या करते है? हम भगवान के पार्षद होते तो हम भगवान के धाम में रहते यहाँ क्या करते तब तीसरी लाइन निमी महाराज कहते हैं कि विष्णु भूतानी लोकानाम पावनाय चरंति आप भगवान के पार्षद हो लेकिन विष्णु भूतानी विष्णु के पार्षद लोकानाम पावनाय इस लोक को पवित्र करने के लिए लोक में रहने वाले जीवों को पवित्र करने के लिए ही इस इस संसार में विचरण करते हैं भक्तों बहुत सुंदर शब्द हैं विष्णु भूतानी लोकानाम पावनाय चरंती हैं भगवान के पार्षद संसार के जीव का उद्धार करने के लिए संसार में विचरण करते हैं मैं तो ज्यादा क्या कहूं यदि हमें राधा कृष्ण की माधुर्य लीला में उस रास लीला में माधुर्य मंडित भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना है उस लीला में भाग लेना है तो हमें गोपियों के मंजरियों के पद चिन्हों पर चलना होगा जब तक देवी लक्ष्मी मंजरियों के पद चिन्हों पर नहीं चली राधा कृष्ण नहीं मिले जब तक शिव जी गोपी भाव गोपी मंजरियों के पद चिन्हों पर नहीं चले उनको राधा कृष्ण या रासलीला नहीं मिली इस दुनिया में जब, जब तक गोपियां मंजरियों के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे या उनकी सेवा आदि नहीं करेंगे भगवान की लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा तो उस मंजरियों की सेवा हम कैसे करें यह व्यवस्था भगवान ने की और भगवान ने अपनी मंजरियों को अपने पार्षदों को इस धरती पर भेजा और ऐसे ही पार्षद ऐसी भक्ति विधान शिल प्रभुपाद तो ऐसे शिल प्रभुपाद जी की सेवा में यदि हम लगेंगे प्रभुपाद की सेवा में रहेंगे तब जाकर भगवान की उस नित्य लीला में उस विशेष लीला में प्रवेश मिलेगा वह लाभ मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या कहा गया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि कृष्ण कैसे हैं नंद घेर आनंद भयो कृष्ण आनंद के समुद्र है लेकिन कृष्ण को देखने में कृष्ण की भक्ति करने में कृष्ण से भी ज्यादा आनंद किसको आता है श्रीमती राधा रानी को ठीक है अब हम तो यहां तक जानते हैं अब आगे बढ़ना है हमें हमें आगे बढ़ना है तो कृष्ण आनंदमय भगवान है कृष्ण की सेवा भक्ति करके कृष्ण से ज़्यादा आनंद राधा को आता है और राधा और कृष्ण की जो लीला होती है और राधा और कृष्ण को आपस में लीला करने में जो आनंद मिलता है उसे कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ आनंद उन गोपियों को उन सखियों को वह दर्शन करने से आता है और उन गोपी और सखियों से भी कोटि गुना आनंद यदि प्राप्त करना है तो हमें उन मंजरियों की सेवा करनी होगी उस मंजरियों की गोपियों की सेवा करने में हमें उससे भी अधिक आनंद प्राप्त हो सकता है तो अल्टीमेटली शिल प्रभुपाद की सेवा करने से प्रभु प्रैक्टिकली रूप से इस संसार में प्रभुपाद की इस परंपरा में सेवा भक्ति समर्पण करने से राधा और कृष्ण की जो लीला है कृष्ण को जो आनंद है उससे भी कोटि गुना अधिक आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं और यह देखा गया है इसीलिए तो बड़े 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 पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर लोग अपना सिर मुंडवाकर घर बार सब कुछ छोड़कर शिल प्रभुपाद की शरण में आकर बैठ गए क्यों क्योंकि वो आनंद मिल रहा है वो आनंद मिल रहा है इसलिए एक शुद्ध संत की सेवा में लगे जो भगवान के पार्षद है वे भगवान के दाम में ही रहते हैं भगवान के दाम में ही होते लेकिन हम सब जीवों को कल्याण करने के लिए उस नित्य लीला में ले जाने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो निमी महाराज का कहना यह है कि विष्णु भूतानी लोका नाम पावनाय चरंती है भगवान विष्णु के जन भगवान विष्णु के पार्षद संसार के लोगों को पवित्र करने के लिए विचरण करते हैं और अब अब जो निमी महाराज ने कहा अद्भुत बात बताई निमी महाराज कहते हैं कि क्या बताए आ, हे नवयोगेश्वर मुनि दुर्लभ हो मानुषो देहो भंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये मन ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम वैकुंठ प्रिय दर्शनम निमी महाराज कहते हैं कि हे नव योगेश्वर मुनि क्या बताऊं दुर्लभ दे हो देहो एक तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, है? चौरासी लाख की योनियों में भ्रमण करते 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 है कब हुक नर करुणा कर दे बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है दुर्लभ हो मानुष्य देहो यह मनुष्य का देह दुर्लभ है देही नाम क्षण भंगुर और ये ये मनुष्य देह कैसा है तो कहते हैं क्षण भंगुर है दुर्लभ दे हो मानुष हो भंगुर लेकिन मनुष्य देह से भी एक चीज अधिक दुर्लभ है तत्र अपि तत्रापि दुर्लभ हम मनी है मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है चौरासी लाख की योनियों के चक्र काटने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है लेकिन ऐसे मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ क्या है तत्रापि दुर्लभम मनिये वैकुंठ प्रिय दर्शनम जिसको वैकुंठ भगवान कृष्ण प्रिय है प्राण प्रिय है ऐसे शुद्ध भक्त या फिर वैकुंठ को जो प्रिय कृष्ण को जो प्रिय है ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन तत्रापि दुर्लभम सबसे अधिक दुर्लभ है और ऐसे ऐसे दुर्लभ भक्त आज मेरे जनकपुर में पधारे हैं मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ महाराज मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कृपया करके आप धर्मान भागवतान ब्रुत हे नवयोगेश्वर जी भागवत धर्म के विषय में बताइए यदि न श्रुत ये क्षम यदि हम सुनने में यदि हम सुनने में आ, आ, योग्य है हम योग्य पात्र है तो कृपया करके आप हमें भागवत धर्म सुनाइए बोले भागवत धर्म क्यों भागवत धर्म सुनने से क्या मिलेगा तो बहुत सुंदर कहते हैं ये प्रप, प्रसन्न प्रपन्न आय भागवत धर्म की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर दास्य भगवान दे दे देते हैं क्या देते हैं कहते हैं आत्मन अपि अजह ये भागवत धर्म की कथा सुनने से भगवान अपने आप को दे देते हैं भगवान से कुछ मिलना कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है लेकिन भगवान ही मिल जाना यह सबसे बड़ी चीज है निमी महाराज ने कहा कि हे नवयोगेश्वर मुनि कृपया करके भागवत धर्म हमें बताइए यह कहा तुरंत नवयोगेश्वर मुनि ने भागवत धर्म कथा प्रारंभ की यह कथा हम कल सुनेंगे हरे कृष्णा आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से आदर से श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया आप सभी भक्तों का धन्यवाद बुरी बुरी धन्यवाद आइए जय घोष करते हुए जय जयकार करते हुए आज के प्रसंग को हम विराम करें ग्रंथराज राजम भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र भगवान की शिल प्रभु की निताई गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम